हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू अनदर ब्लॉग। तो आज देखते हैं अब आज क्या क्या रूटीन है, क्या प्लान है। और बाबा ने भी मेरे को अभी छोटे वाले भाई ने पवन ने आके बताया कि बाबा को हेयर कट कराने जाना। तो मैंने कहा ना, बाहर पुलिस भी है और बाबा को अभी कोरोना से रिकवर हुआ है तो बाहर नहीं जा सकते बाबा। तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं विपिन द बार्बर बनता हूँ आज और जा रहा हूँ बाबा को जाके हेयर कट और बियर्ड ट्रिमिंग करके देता हूँ। और ये रहा विपिन द बार्बर का ट्रिमर। अब विपिन द बार्बर दिखाएंगे अपना जादू। करेंगे वार्म अप से, तो पहले हम वार्म अप के लिए थोड़ा सा बैक मसल्स को स्ट्रेच कर लेंगे जो कि हम करेंगे पुल अप से। किलो पहले भी नहीं बड़ा स्मूथली जाता है, मेरा बहुत स्मूथली जाता है। का वीडियो तेरे कैमरे का स्मूथली नहीं जाता कोई जाता। पुल अप हो गए, हाइपर एक्सटेंशन हो गया, डेडलिफ्ट हो गई, लैट पुल डाउन हो गया और अब हम करेंगे क्लोज ग्रिप लैट पुल डाउन। ये ब्लॉग ना बना रहा होता ना तो मैं अभी तक भाग जाता। कल 3 एक्सरसाइज करने के बाद भाग गया था, आज ही भाग जाता है। लेकिन आज 5 एक्सरसाइज कर ली, अभी करूँगा और पूरा वर्कआउट आज खत्म करूँगा। बैठ कर बात करेंगे हम वन ऑन नंबर। तो आज ये पहला दिन था और मैंने मतलब ऑलमोस्ट सारी एक्सरसाइज कर ली हैं। 8 एक्सरसाइज थी, सारी नहीं करी, दो छोड़ दी मैंने, एक बेंट ओवर और एक पुल ओवर। तो ये दो एक्सरसाइज मैंने छोड़ दी हैं, हिम्मत ही नहीं थी। खैर रिकवरी के हिसाब से आज पहले दिन क्वाइट ओके, अच्छा रहा। और अब घर जाता हूँ और बाबा को पता ही है आप लोगों को, मेरे को अभी आके बाबा की ट्रिमिंग और हेयर कटिंग करनी है। विपिन बार बार तैयार हो रहा है अभी जल्दी से, तो चलो मिलते हैं। चलो बाबा को खाना दे देते हैं, थोड़ा थोड़ा भी बाबा खाना खाने लग गए हैं तो दे देते हैं बाबा को अभी फिलहाल। चलो बाबा लो खाना वाला, खाना वाला। हाँ अभी तक तो वही नाश्ता किया है। तो सवेरे किया था बाबा, अभी नहीं देखा। हाँ पता क्या बजे किया था, अभी टाइम का हो रहा है 1 बज रहा नहीं है। कब हूँ अभी तुम्हें दिखा रहा हूँ बाबा का हेयर कट और तुम मेरे को मार्क्स दोगे कमेंट बॉक्स पे। मार्क्स दो, कितने मार्क्स मिलेंगे मेरे हेयर कट को, मैंने कैसा हेयर कट करा है। ठीक है अभी वो तुम बताओगे, देखो सारे और बताओ कैसा है। तो इसमें हम मोबाइल नंबर डालते हैं, जो RT-PCR रिपोर्ट करते समय हम दिया होता वही नंबर यहाँ पर डालते हैं। मैं 2-3 बार ऑलरेडी चेक कर चुका हूँ तब से, क्योंकि मेरे को तो डेली चेक करना होता है कि अब आ गई हो OTP भेजते हैं। पापा के मोबाइल में अब आ गया होगा OTP, पापा के उससे OTP लेके आता हूँ मैं ज़रा। 64 67 64 67 67 64 67 आ गई रिपोर्ट। अब देखते हैं क्या आई। देखो मैं तुम्हें पहले बता दूं कि पापा का नंबर क्यों डाला, क्योंकि मैंने ऑलरेडी अपने दोनों नंबर डाल दिए थे। मतलब हमने रिपोर्ट जांच 3-4 बार करा चुके हैं हम ऑलरेडी पूरे घर की, क्योंकि मेरे को रिस्क में नहीं डालना था ना बाबा को ना पापा को, इस वजह से तो सारे नंबर ऑलरेडी एग्जिस्टेड थे, इस वजह से मैंने पापा का नंबर दिया इस बार। चलो देखते हैं व्यू लैब रिपोर्ट। पहले हम एंटीजन देख लेते हैं, एंटीजन नेगेटिव एंटीजन।
यस 13 तारीख को कराया था, आज 17 हो रही है। आरटीपीसीआर भी नेगेटिव, आरटीपीसीआर भी नेगेटिव आ गई, दोनों रिपोर्टिंग नेगेटिव। और हमने आप लोगों के प्यार की वजह से, आप लोगों की दुआओं की वजह से हमने जंग जीत ली है कोरोना की। बाबा ने 81 साल की एज में कोरोना की ऐसी तैसी कर दी है, बाबा कोरोना को हरा चुके हैं। एंड थैंक यू लव यू सो मच गाइज फॉर योर ऑल सपोर्ट, फॉर योर लव, फॉर योर प्रेयर्स, फॉर एवरीथिंग। थैंक यू सो मच। आ गई रिपोर्ट बाबा की, नेगेटिव है, नेगेटिव, सब सारी रिपोर्ट नेगेटिव आ गई हैं। अब कल क्या करना है हमें, बाबा का पूरा कमरा साफ करना है, पूरे जो उस बाबा के बिस्तर है वो सब धूप में डालने हैं, धुल के पूरा कमरा सैनिटाइज करना है, और बाबा के टूथब्रश जितनी ब्रश व्रश हैं सब बदलनी है, हाँ बदल के नहीं लानी है। आज हमारी गली में सन्नाटा है गाइस, नो क्रिकेट टुडे, आज कोई भी हम क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं क्योंकि आज मूड नहीं था, 4-5 दिन से लगा था क्रिकेट खेलते हुए, काफ़ी टाइम हो गया, तो आज सन्नाटा, तो आज नो क्रिकेट। तो अब जा रहे हैं हम सोने, देखता हूँ थोड़ी देर ट्रेडिंग करनी है तो करता हूँ, वरना I'm going to sign off. Bye bye. Good night. सबक है, मिलते हैं कल के नेक्स्ट ब्लॉग में।